गंगा अवतरण दिवस आज हम यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम गंगा गौरव सम्मान से आदरणीय सुंदरलाल बबुणा जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए जो वर्षों से गंगा एवं पर्यावरण हिमालय को पर्यावरण को बचाने के लिए अपना जीवन जिन्होंने लगा दिया और आज भी इस अवस्था में कार्यरत हैं। पहले योगी अरविंद फाउंडेशन, अरविंद फाउंडेशन दिल्ली, मुंबई और ऋषिकेश तीन जगह से कार्य कर रहा है, उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। तो जब मन में विचार आया कि गंगा गौरव सम्मान की शुरुआत की जाए, जो कि इस पर्यावरण के प्रति सचेत करने वाले किसी समाज पुरुष को ये पुरस्कार प्रदान किया जाए, तो पहला नाम स्वाभाविक है कि हम जो भी फाउंडेशन के सब सदस्य हैं उनके सामने सुंदरलाल जी का ही आया, क्योंकि सच में उन्होंने अपना पूर्ण जीवन गंगा और हिमालय के संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। ऐसे महान विभूति जो इस कार्य द्वारा उच्च कोटि के संतत्व तक पहुँचे हैं, ऐसे महान विभूति आज हमारे यहाँ उपस्थित है और उनका गौरव और उनका सम्मान किया जा रहा है। फाउंडेशन द्वारा जो कार्य चलते हैं, ये कोई जैसे अभी डॉक्टर उपनेति जी ने बताया कि ये टोकन स्वरूप के और सिंबॉलिक कार्य होंगे नहीं, इसमें जनमानस में बदलाव लाना ये इसका अंतिम चरण है और लक्ष्य है कि मनोभाव हमारा बदलना चाहिए, पर्यावरण के प्रति देखने की हमारी दृष्टि में बदलाव आना चाहिए। अब ये बहुत कठिन कार्य होता है और ये सबसे अच्छा तो आदरणीय सुंदरलाल जी ही जानते हैं कि कितना कठिन कार्य ये हो सकता है। कीर्ति महाराज ने बमरोगी की गुफा में तपस्या की थी, भोगवादी सभ्यता का आक्रमण है। भोगवादी सभ्यता प्रकृति को भोग की वस्तु समझती है, चाहे उसमें पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, ये सबसे कितना भोग का सामान निकल सकता है, इसी को भोगवादी सभ्यता विकास कहती है। तो आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें भोगवाद चरम सीमा पर पहुंच गया है। गंगा को धरती पर लाने के लिए तब गंगा का अवतरण हुआ भगीरथ की तपस्या के बाद, लेकिन आज तो हमने गंगा की हत्या कर दी क्षणिक विकास के लिए। अब टीरी बांध कितने दिन टिकेगा, जो स्वतंत्र वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि तो 30 साल में गाद से बढ़ जाएगा, फिर दूसरी जगह देखेंगे कहीं अलकनंदा पर उत्यासु बांध बनाएंगे।